देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। खुश रहो, खुश रहो। पिताजी से आशीर्वाद लो। आशीर्वाद दीजिए पापा। खुश रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो बेटा। दुर्गा माँ के आशीर्वाद से मेरी बेटी अच्छे घर में गई है, मुझे बहुत ही खुशी हो रही है। अब तुम्हारे पति का घर तुम्हारा घर है, ऐसा कभी मत सोचना कि तुम अकेली हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। इतना बहुत है बेटा मेरे लिए, बिन माँ की बच्ची को मैंने बहुत ही लाड प्यार से नाजो से पाला है, ससुराल को कैसे संभालेगी इसका मुझे डर था। अब आपकी बातें सुनकर मेरा सारा डर चला गया। अब मैं खुशी खुशी यूएस जाके अपने बेटे और पोते के साथ खेलूंगा, मुझे बहुत खुशी होगी। ये तो बहुत खूबसूरत लग रही है। ये लो बेटी, ये मेरी अंगूठी, आज से मैं तुम्हें देती हूँ, ये तुम्हारी सुरक्षा करेगी, इसे उतारना मत कभी। ए प्रशांत, तूने गौरप्पा से पूछा कि नहीं? हाँ माँ, पूछा। अब क्या करना है? अरे ऐसे कैसे चलेगा? आप ये क्या बोल रहे हो माँ? उनके जाने से पहले जायदाद तेरे नाम करवा ले। उनको इतना जल्दी कैसे बोलूं? उन लोगों ने जायदाद के लिए शादी नहीं कराई। अरे चाहे जिस लिए कराई हो, हमें क्या, शादी के पहले बात कर लेनी चाहिए थी, अब तो बोल सकता है। वो लोग जायदाद मेरे नाम करें या ना करें, आखिर में तो वो जायदाद मेरे नाम ही होने वाली है। आप क्यों इतना जल्दबाजी कर रही हो? देख, कब किसकी कहां मौत हो जाए कुछ कह नहीं सकते हैं। इसके अलावा वो गौरी का सौतेला बाप है, उन्हें कुछ हो गया तो सारी जायदाद अनाथ आश्रम को मिलेगी। माँ, दस्तगीर फोन कर रहा है। देख, तू उनसे बात तो कर ले, उसे कुछ नहीं बताना, तेरी बहन को पता चल गया ना तो मेरा दिमाग खा जाएगी वो। इस घर का दामाद है लेकिन पता नहीं क्या समझता है। इनको छोड़ो माँ, मैं गौरी से डायरेक्ट बात करके पूरी जायदाद अपने नाम करवा लूंगा। ये हुई ना मतलब की बात, चलो। ये क्या बेटी, ऐसे क्यों बैठी हो? बस ऐसे ही। अरे थक गई होगी, थोड़ी देर आराम कर लेती तुम। कोई बात नहीं माँ जी। ठीक है, जाओ जल्दी से नहा लो, नहीं तो पूजा के लिए देर हो जाएगी। ठीक है, जाओ जल्दी। दिल से सुन पिया दिल की दास्तां, जो लफ्जों में भी नहीं हो बयां। अब जैसा ये रास्ता वो तेरा ना फासला, क्या नहीं फासला। गौरी,
तुम चाय नहीं पियोगी? पियूंगी। ये लो, मुझे थोड़ा काम है। हाँ। गौरी, तुम बहुत सुंदर हो। मैं बहुत लकी हूँ। नहीं जी, आपसे ज्यादा मैं लकी हूँ। गौरी, मेरे पार्टनर का फोन आ रहा है, मैं बात करके आता हूँ। छोटी बहू, यहाँ जो जूठे बर्तन थे वो कहाँ गए? मैंने साफ कर दिए। अरे, ये आपने क्यों कर दिया? ये तो मेरा काम है ना। इसमें क्या हुआ, मैं भी तो इस घर की बेटी हूँ। ये लो, पहले कॉफी पी लो, फिर काम करना। सुनिए ना, आपके ऑफिस में लंच कितने बजे भेजूं? 1 बजे या 2 बजे? उसकी चिंता मत करो तुम, मैं कुछ खा लूंगा। सुनिए ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप कुछ भूल तो नहीं रहे हैं? नहीं तो, सब कुछ ले लिया है मैंने। चलो, मैं निकलता हूँ। सुनिए ना। हाँ, क्या हुआ गोरी? आज आप कुछ तो भूल रहे हैं। आप कुछ तो भूल गए हैं, सोचिए जरा। नहीं, कुछ भी तो नहीं। शर्म नहीं आती तुम्हें? नॉनसेंस, थोड़ा भी सेंस नहीं है तुम्हें। अरे नहीं, मैं जब भी घर से बाहर जाती थी तो मेरे पापा ऐसे ही। ठीक है, ये सब जरूरी है क्या? इस वक्त इस घर का कोई भी सदस्य देखेगा तो क्या सोचेगा? सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ठीक है, रोना बंद करो। कल ऑफिस में बहुत ज्यादा काम था, इसलिए लैपटॉप और हनीमून के टिकट भी ऑफिस में ही रह गए। हम लोग मालदीव जा रहे हैं हनीमून के लिए, ठीक है? टिकट भी हो चुकी है बुक, चिंता मत करना। हाँ, ठीक है, बाय। दूध मांगा था ना आपने?
ये क्या कर रहे हो? छोड़ो। ए, तुम बहुत खूबसूरत हो। तमीज से बात करो। इतना गुस्सा क्यों कर रही हो तुम? जब हम तुम्हें मिलने आए थे तभी भी तो हाथ पकड़ा था, वही तो याद दिला रहा हूँ, तुम भूल गई। उस दिन तो तुम सॉरी बोल रहे थे, जानबूझ के तुमने मेरा हाथ पकड़ा। अभी समझ में आया मुझे कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। छोड़ो। तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा हूँ, तुम जानती हो ना मैं क्या चाहता हूँ। मुझे छोड़ दो नहीं तो मैं तुम्हारे भैया को बता दूंगी। मेरे भैया को ही नहीं, तुम माँ को भी बुलाओगी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आ जाओ मेरे पास, आओ मेरे सीने से लग जाओ, लगा लो मुझे अपने सीने से, आओ। ए रुक जाओ, रुको। ए गौरी, गौरी रुको। ए गौरी, गौरी माँ जी, गौरी माँ जी, माँ जी, माँ जी, आपका बेटा मेरे साथ बदतमीजी कर रहा है, उससे पूछिए आप। देखिए ना माँ जी, वो इधर ही आ रहा है, मुझे बचा लो माँ जी। ए चुप रह, मेरे सामने ही मेरे बेटे को गलत बोल रही है तू, रोना बंद कर। गौरी सुनिए। क्या हुआ? आपके छोटे भाई ने आपके छोटे भाई ने मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। आओ। माँ छोटू ये क्या बोल रही है? प्रशांत छोटू के रूम में ये क्यों गई थी? काम वाली मर गई थी क्या? बेकार में नाटक कर रही है। माँ जी इन्होंने ही बोला था कि मुझे दूध लाकर दो, इसलिए मैं इनके रूम में गई थी। उसने मांगा था तो काम वाली के हाथ से भेज देती, खुद क्यों गई थी तुम? जान बूझ कर गई थी ना उसके रूम में। अरे माँ जी मैं ऐसा क्यों करूँगी? ए माँ अब शांत रहिए और अंदर जाइए, अंदर जाइए। आप बोला ना मैंने आपको। छोटू इतना बड़ा हो गया तू घर पे बैठकर रोटी तोड़ता रहता है, शर्म नहीं आती तुम्हें? इज्जत से बात कर, गौरी के सामने मेरी बेइज्जती की तो। ओ ऐसा क्या, तो जहाँ गौरी रहती वहाँ तू नहीं रह सकता, चल निकल यहाँ से। ए प्रशांत वो तेरा छोटा भाई है। माँ तुम्हें अंदर जाने को बोला ना, आप जाओ अंदर, इसके साथ क्या करना है मुझे पता है। प्रशांत एक बार फिर से सोच ले, मेरा हाथ उठने से पहले यहाँ से निकल जा। आपके छोटे भाई ने आपके छोटे भाई ने मुझे तो बोलने में भी शर्म आ रही है। ये छोटू मेरा सारा काम बिगाड़ देगा, गौरी के साथ उसका ये व्यवहार पूरा का पूरा काम बिगाड़ देगा। अगर उसने ऐसा किया तो ये तो अब मुझे और मुसीबत में डाल देगा। हेलो प्रशांत। बोलिए जीजाजी। जैसा मैंने तुम्हें बोला मैं हैदराबाद मीटिंग में जा रहा हूँ, मीटिंग अटेंड करके मैं तुम्हें कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है, आप सक्सेसफुल मीटिंग करो, अगर ये टेंडर हमें मिल गया तो हमारी कंपनी फायदे में आ जाएगी। ठीक है। हेलो एक्सक्यूज मी मैडम। प्रशांत ने मुझे हैदराबाद जाने के लिए कहा है, कोई जरूरी मीटिंग है इसलिए जा रहा हूँ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? आप जानो आपका बिजनेस जाने, आप जाके आओ, मुझे कोई मतलब नहीं है। वो तो दिख रहा है, ठीक है कैरी ऑन विद चैट, मैं चलता हूँ। ओके वो,
कहाँ हो गौरी? गौरी कहाँ हो गौरी? जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे, जय माँ दुर्गे। कहाँ हो तुम? ए, ये सब क्या है? माँ तुम चुप रहो। छे, गौरी कहाँ है? रहने दे छोटू, चिल्ला मत, प्रशांत सुन लेगा तो गुस्सा करेगा, तू जाना। तुम जाओ अंदर। आने दो उसे, देख लूंगा मैं, उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। अरे गौरी, देख तू ऐसा मत कर, छोटी बहन की बात सुन, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा दिमाग ठंडा रख। आज गौरी के सामने मेरी इज्जत चली गई और तुम मुझे चुप रहने बोल रही हो? छोटू, अरे लगी तो नहीं ना? गौरी, गौरी कहाँ हो? आओ, आ जाओ, जय माँ, नीचे आओ। गौरी कहाँ हो तुम? नीचे आ जाओ। गौरी, 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 ए गौरी, ए, किधर जा रही है? अरे, रुक, रुक, छोडूंगा नहीं तुझे, ए रुक। बाप रे मम्मी। गौरी रुको, गौरी इधर आओ, चुपचाप मेरे पास आ जाओ। अरे मेरे पास मत आ। गौरी लग जाएगी, हटो माँ जी। अरे छोटू जाना, यहाँ से पास मत आना। गौरी दूर रहना, गौरी देखो दूर रहना, देखो आ जाओ, मेरे पास मत आना, मैंने कहा दूर रहना। क्या कर रहे हो तुम लोग? गौरी, गौरी सुनो, जाओ, 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 चला जाओ यहाँ से। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं गौरी, मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं मर भी गया तो भी चलेगा, लेकिन तुझे आज छोड़ूंगा नहीं मैं। दूर हट, निकल, अगर मेरे पास आए तो मार डालूंगी तुझे। निकल, मेरे पास आ जाओ। मेरे बेटे को मेरे ही सामने मारेगी? हमारे घर में आके मेरे भाई को तुम मारोगी? अब मरेगी तू। अरे गोरी, ए छोटू, ये क्या किया तुमने? कोर्ट कचहरी इन सब से मुझे दूर रहना था, ये क्या किया तुमने? तुझे डरने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूंगी, बस मैं जैसा कहूँ वैसा कर। गौरी नहीं, गौरी ने ही फोन करके बुलाया कि मुझे चोट लगी है। पहले हमारी बात सुन, उसके बाद ही बोल। इतने प्यार से मैंने पाला है और ये इसे मारने चली थी। मैंने ही मारा है, इसे बहुत रोका था लेकिन ये बात ही नहीं सुन रही थी। वो इस बारे में कमजोर है। प्रशांत, जो मैं कह रही हूँ उसे ध्यान से सुन, इसे यहाँ से उठा, जल्दी ठिकाने लगा, पुलिस को भनक तक नहीं लगनी चाहिए। मुझे गौरी नहीं, खुद की इज्जत प्यारी है, और मैं अपनी इज्जत बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ। Mm.
मुझे यही अफसोस है कि वो जायदाद के कागजात पर साइन करने से पहले पहले ही मर गई। मुझे इसी बात का दुख है। गौरी जैसी तुझे बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, इसका क्या करना है पहले वो सोच। जो भी होना था वो तो हो गया, उसकी वजह से ऐसे उदास मत होइए। आगे क्या करना है वो सोचिए। किसी की मृत्यु के बाद उस घर का पूजा करवा कर शुद्धिकरण करना होता है, बड़ों से यही सुना है मैंने। आपने सही कहा समधन जी। छोटू को शादी के लिए जल्दी से तैयार कीजिए। मुझे छोटू की चिंता नहीं है, मुझे लगता है कि प्रशांत के लिए एक बार फिर से सोचेंगे तो अच्छा होगा। दरअसल आप चाहें तो आपकी बेटी की शादी, नहीं नहीं मैं बोल नहीं रही हूं, अगर आप चाहें तो ही। आप चाहें तो मेरे प्रशांत की जिंदगी फिर से संवर सकती है। क्या समधन जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? लड़की देके लड़की ले रहे हैं, इसमें तो हमारा ही फायदा है ना। हमारी बेटियां हमारे साथ रहेंगी, दूसरों को क्यों दें? मुझे यही करना चाहिए था। अब भी कुछ नहीं बदला है। जैसे पहले हमारे संबंध थे, अभी भी सब कुछ पहले के जैसा ही रहेगा। लेकिन एक बात है, पहले किरण से पूछना होगा। बस इतना ही दामाद जी, किरण को बुलाइए ना, अभी पूछ लेते हैं। हाँ ठीक है, बुलाता हूँ। हाँ भैया। थोड़ा बाहर आना जरा। आ रही हूँ। हाँ वो आ रही है। आओ बेटी। हाय आंटी, क्या हुआ भैया? किरण, जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है और सबके सामने पूछ रहा हूँ। प्रशांत के लिए ये लोग तुम्हारा हाथ मांग रहे हैं। किरण, क्या सोच रही हो तुम? तुमने भी MBA किया हुआ है और प्रशांत भी बिजनेस में नंबर वन है, सो तुम लोग दोनों मिलकर इंडिया के टॉप मोस्ट बिजनेस कपल बनोगे। ज्यादा सोचो मत, कुछ नहीं, हाँ कर दो। वो बात नहीं है, मतलब सेकंड वाइफ, यही तुम सोच रही हो ना? ऐसी बात नहीं है, वो आपने सडनली पूछा ना, तो मैंने शादी के बारे में अभी सोचा नहीं है, क्योंकि मुझे अभी शादी नहीं करनी। वैसे प्रशांत के बारे में मेरा ऐसा कुछ गलत ओपिनियन नहीं है। किरण, हम सब तो तुम्हारे भले के लिए ही कह रहे हैं। समधन जी, थोड़ा समय दीजिए उसे। किरण, तुम अंदर जाओ। ठीक है आंटी। चिंता मत कीजिए, अच्छा ही होगा। मेरे पहचान के एक ज्योतिषी है, सब कुछ सच बताएंगे। आप कहो तो मिलने के लिए कह दूं, मिल लेंगे आप? शनि मार्गी, गुरु मार्गी, शुक्र प्रबल उच्च का, गुरु चतुर्थ का,
और पुनर्वसु नक्षत्र द्वितीय चरण सप्तम का मंगल। क्या हुआ, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या? ए, तुम चुप रहोगी? राहु वक्री है। नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इन लोगों ने मेरे साथ अन्याय किया है, ऐसा नहीं हो सकता। क्या हुआ पंडित जी, आपने ऐसे फेंक क्यों दिया? ये मेरे बेटे की कुंडली है। आपके इस तरह से मुझे बोलने से क्या हो जाएगा? नहीं हो सकती, ये शादी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। पंडित जी ऐसे क्यों बोल रहे हो? इस घर में मृत्यु हुई है ना? बताइए, जबान के साथ साथ घर भी ठीक नहीं है। तुम चाहे कुछ भी कर लोगी ना, तो भी ये शादी नहीं हो सकती है, यही विधि का विधान है। इसका कोई उपाय होगा तो बताइए, कैसे भी करके भैया की शादी तो करवानी ही है। चाहे कोई भी उपाय कर लो, ये शादी नहीं हो सकती। हाँ, मौत हो सकती है। निकल जाओ यहाँ से। आप पंडित नहीं होते तो धक्के मार के निकालती चले जाओ। तुमने मुझे बेइज्जत करके इस घर से बाहर निकाला है ना, लेकिन तुम्हारी इच्छा कभी भी पूरी नहीं होगी। मैं ये मिट्टी हाथ में लेकर श्राप देता हूं। ये जो अंगूठी यहाँ पर गिरी है ना, इसे उठा के बाहर फेंक दे, जा। दामाद जी, ज्यादा सोचिए मत, ये लोग पैसा कमाने के लिए कुछ भी बोल देते हैं। आप अंदर चलिए। मम्मी, हाँ? आपने वो अंगूठी ठीक से देखी क्या? मैं क्यों देखूं उस अंगूठी को? वो गौरी की अंगूठी है मम्मी। हाँ? सना, ये क्या बोल रही हो? जो आपने शादी में पहनाई थी उसको। तो तुझे पहले बताना चाहिए था ना। वो थे ना मम्मी, इसलिए मैं नहीं बोल पाई। अरे हे, वो अंगूठी कहाँ फेंकी? आपने ही कहा था ज्योतिष के मुँह पे फेंक दो। जा वापस लेकर आ। लेकिन अब कहाँ से ढूंढूं मैं उसे? हे भगवान, अच्छा छोड़, वो अंगूठी दे मुझे। लेकिन मैम साहब, वो अंगूठी तो मेरे पास नहीं है अभी। मुझे लगा माँ जी मुझ पर चिल्लाएंगी, इसलिए मैंने वो अंगूठी फेंक दी। सुन, मैं कुछ नहीं जानती, अंगूठी ढूंढ के ला, तभी तनख्वाह मिलेगी, समझ गई? जा। उस ज्योतिष की वजह से अब मुझे सारी बात झेलनी पड़ेगी। हे भगवान, मुझे बचा ले। दामाद जी, शादी की बात अभी रोक देते हैं। क्यों माँ जी, आप ऐसी बात क्यों कर रही हैं? किरण तो मानेगी नहीं, मम्मी पापा क्या करेंगे? वो तो अभी बच्ची है, दो तीन बार मनाऊंगा तो मान जाएगी।
क्या हुआ, मिल गई? मैंने बहुत ढूंढने की कोशिश की माँ जी, लेकिन वो मुझे नहीं मिली अभी तक। सना बोल रही थी अगर वो अंगूठी मिल ही नहीं रही है तो छोड़ दो। क्या भैया, फिर से मेरी शादी के बारे में सोच रहे हो? छोटी बहन के लिए मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा? अब ज्यादा मत सोचिए आप, मैं प्रशांत से शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच बोल रही है तू? हाँ भैया सच में। आंटी आशीर्वाद दीजिए। हाँ हाँ, खुश रहो खुश रहो। कल तो तूने ना कहा था, आज क्या हो गया? बस यूं ही भैया। अरे क्या हुआ? देख के नहीं चल सकती क्या? क्या हुआ? कुछ नहीं बस। मम्मी किरण का पैर देखो मम्मी। क्या हुआ? मम्मी पैर की बीच वाली उंगली में गौरी की अंगूठी पहनी है, देखो। हाँ? हाँ? क्या किरण, देख के नहीं चलती हो, थोड़ा आराम से जाओ ना। अब से ध्यान रखूंगी भैया। विजी, हे ए विजी, क्या हुआ माँ जी, आपने कुछ कहा क्या? इतनी गहरी नींद सो रही है, मैं चिल्ला रही हूँ तुझे सुनाई नहीं दे रहा? इधर देख। हाँ? जाके साफ कर। हाँ ठीक है माँ जी। हाँ
कौन है? कौन होगा? क्या हुआ मम्मी, ऐसे डरी क्यों हो? सुन, तू चल मेरे साथ। अरे दामाद जी को भी लेकर आ, चल ना। क्यों, किस लिए? भूत है वहाँ पर, वहाँ बैठा है, चल ना दामाद जी को ले। सुनो जी, सुनो जी, उठो जरा। ए, ये भूत भूत कुछ नहीं होता है, तुम जाके सो जाओ। भूत ही है। अरे क्या बोला तुमने? क्या हो रहा है? सुनाओ मम्मी। मैंने यहीं पर भूत देखा है। चलो ना जल्दी। सुनो जी, भूत है वहाँ, आप जाके देखिए। मैं? हाँ, आप तो मर्द हो, जाके देखो ना। हाँ, नहीं मैं जाता हूँ, मैं जाके देखता हूँ, तुम सही हो, you are right। ये भगवान, ये भगवान मेरी रक्षा करना। मुझे क्या लगा कि मैं घर में कभी वापस नहीं आऊंगी, इतनी आसानी से छोड़ दूंगी? मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे बेटा। मार डालूंगी। बेटा मुझे माफ कर दे। ठीक है, मैं तुझे छोड़ दूंगी, लेकिन तुझ पे जो मेरे पिताजी ने भरोसा किया था वो तू छोड़ सकती है? नहीं कर सकती ना, तो मैं भी तुझे नहीं छोड़ सकती। मम्मी, तुम मुझे छोड़ के चली गई, मुझे अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। आप मेरे लिए क्या थी मैं बता नहीं सकती आपको। इस घर के अंदर कुछ ना कुछ तो है, वो प्रेतात्मा की शक्ति यहीं पर है। आप मुझे छोड़ के चली गई, मेरा विश्वास एकदम सही है, ये आप ही मुझे बता सकती है। अभी मैं एक दिया जलाती हूँ और 30 तक गिनती हूँ, और अगर उसके बीच में दिया बुझ गया तो मतलब यहाँ कोई प्रेतात्मा है। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस, इक्कीस, बाईस, तेईस, चौबीस। मम्मी, मेरा डाउट तो पक्का था, आप ही मुझे बचाओ मम्मी। मम्मी, प्रशांत से शादी करने के बाद मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? अरे नहीं, तुम्हारे पास रह सकूं इसलिए तो मैं उससे शादी कर रही हूँ। उसके बाद प्रशांत को रास्ते से हटाकर मैं तुमसे शादी कर लूंगी। वेरी नाइस, ऐसा प्लान लाती कहाँ से हो? बहुत मस्त प्लान है। कितनी गंदी सोच है मेरे भाई की। मेरा भाई ऐसा निकलेगा मुझे पता भी नहीं था। ठीक है, मैं अभी जाकर उनको बताती हूँ। hmm.
सुनो जी, जल्दी चलो, वहाँ पर बहुत बड़ा प्लान चल रहा है। क्या बोल रही हो तुम? तुम यहाँ हो तो गलत वहाँ कैसे हो सकता है? ओहो, किरण के रूम में वो छोटू और किरण देखो क्या कर रहे हैं। hey, कुछ भी मत बोलो, किरण मेरी छोटी बहन है। मैं अगर झूठ बोल रही हूँ तो मेरे साथ चलकर देखिए, चलिए जाके देखिए अपनी छोटी बहन के लक्षण। क्या बोल रही थी तुम? यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। नहीं जी, मैंने यहीं पे देखा था, यहीं पे बैठ के दोनों बातें कर रहे थे। सुनो, तुम मेरी बहन के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? अरे मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच्ची उन्हें यहीं पे देखा था। बस बहुत हो गया। भैया क्या हुआ, आप यहाँ क्यों आए हैं? मुझे बुला लेते, मैं आ जाती। कुछ नहीं हुआ बेटा। अब चुप रहिए जी, थोड़ी देर पहले तुम रूम में थी ना, अचानक कहाँ चली गई? मैं? अरे वो बुआ की लड़की को थोड़ी बेचैनी हो रही थी तो हम दोनों मंदिर चले गए थे, और हम तो दर्शन करके अभी आ रहे हैं। क्यों, क्या हुआ भाभी? नहीं कुछ नहीं। तू जा बेटा, थोड़ी देर आराम कर। सना। भैया। हाँ बेटा। प्रशांत कहीं नजर नहीं आ रहा है, कहीं गया है क्या? नहीं भैया, छत पर ही होंगे। ठीक है, मैं जाकर देखती हूँ। उन्हें कैसे बताऊँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम्हारी माँ मेरी आंटी हैं। प्रशांत भैया, आपको कुछ हुआ तो नहीं ना? मुझे क्या हुआ वो छोड़ो, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतना दौड़ कर क्यों आ रही हो? तुम्हें कितना पसीना आ रहा है, क्या हुआ? आपको ढूंढते हुए छत पे आई ना, इसीलिए। आंटी की मौत के बाद से भाभी थोड़ी अजीब हो गई है प्रशांत। हाँ किरण, माई उसके लिए सब कुछ थी, समझी। सना चला, चल अब चलते हैं। माँ तो तुम्हारी चली गई, अब तुम्हारी बारी है। सना, तुम्हारी माँ के जाने के बाद तुम कुछ ठीक नहीं लग रही हो। ज्यादा सोच सोच कर तुम परेशान मत हो, तुम्हें देखकर मैं और ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। ज्यादा टेंशन लेना तुम्हारे लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। नहीं जी, इस घर में जरूर कुछ है, और वो भी किरण को लेकर। मैं कंफर्म बता सकती हूँ, और मैं कब से इसी के बारे में सोच रही हूँ। प्रॉब्लम यही है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। सबसे पहले तुम ज्यादा सोचना बंद कर दो, सारी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। सुनिए ना, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मैं किरण को लेकर आती हूँ, आप भी पूजा घर में आइए। क्या हो गया इसको पता नहीं, चलो देखते हैं आखिर क्या होता है। आपने मुझे इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया यहाँ? तुम्हें दिखाना है कुछ। हाँ क्या बोल रही हैं आप? वो आज का दिन कुछ खास है ना, इसीलिए घर में पूजा रखी है, और पूजा रखने से घर के सारे प्रॉब्लम्स वो सब दूर हो जाते हैं, इसीलिए पूजा रखी है हमने। तुम इस घर की लक्ष्मी हो ना, इसीलिए तुम जाकर दिया जला के आओ। क्या हुआ किरण, क्या सोच रही हो, जाओ ना। क्यों तुम जा नहीं सकती हो क्या?
दिया नहीं जला सकती? तो फिर कहीं तुम? अब ऐसी बात नहीं है भाभी, घर में मौत हुई है तो कुछ दिनों के लिए पूजा नहीं की जाती है ना, इसलिए। वो सब हमें पता है, हम भी उसके घर वाले हैं, इसीलिए तो इतने दिन यहाँ रुके हैं। तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम कर सकती हो। हे माता दुर्गा, मैं जो कर रही हूँ वो पूजा नहीं होगी। माता, मैं जो ये दीपक जलाने जा रही हूँ उससे आप स्वीकार कीजिए। मैं भले ही एक प्रेत आत्मा हूँ लेकिन मेरा मन बिल्कुल साफ है। मेरे साथ इन लोगों ने गलत किया, इसलिए मैं इनसे बदला लेकर रहूंगी। आप मेरी रक्षा करना माता, और मेरा ये दीपक स्वीकार करना। भाभी, आपने जो ये शुभ का मेरे से करवाया उसके लिए थैंक्स। अब से इस घर में जो कुछ भी चल रहा है सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक कर दूंगी। सना, ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं क्या ये अपने लिए कर रही हूँ? ये हम सबके लिए है ना? सना, तुम जरा संभल के रहना, कहीं ऐसा ना हो भूत तुम्हें और स्वामी जी को उठा के ले जाए। आप चुप रहिए थोड़ा। सुनिए, ये हमारे यहाँ के सबसे बड़े तांत्रिक और नामचीन पुजारी है। क्या सच में इतना बड़ा नाम है इनका? वो सब छोड़ो, इनका काम उससे भी बड़ा है। कहाँ है भूत? किधर है भूत? ए, तू है क्या? नहीं स्वामी, वो तो ऊपर है। क्या कहा? भूत को वहाँ रूम में बिठाकर हमें यहाँ नीचे बुलाया है, ऐसा क्यों किया आप लोग ने? नहीं नहीं स्वामी जी, आत्मा जिसमें वो लड़की ऊपर है। अच्छा ठीक है, अभी मेरे पूजा करते ही वो आकर मेरे सामने खड़ी हो जाएगी। अच्छी बात है, तो तुम यही कहीं हो, अभी तुम्हें यहां बुलाता हूं मैं। महादेवी नमः, महादेवी। अब ये आत्मा इस अंगूठी के अंदर कैद है, अब इस अंगूठी को बहते जल में विसर्जित करो
किसी भी प्रेत बाधा से मुक्ति मिल जाएगी। ये लो, आज से निश्चिंत हो जाओ तुम लोग। अब चिंता मत करो, इस लड़की में जो आत्मा थी उसे मैंने अंगूठी में कैद करके रख दिया है। इति कल्याण शुभम। चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन अब पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला। अब क्या ये मुझे मारने वाली है जो इस तरह से बोल रही है? सना, मेरी बात का विश्वास करिए आप लोग। हमारे घर में जो किरण है वो अपनी किरण नहीं है। सना, तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम सना नहीं हो, मैं दस्तगीर नहीं हूँ, ये प्रशांत नहीं है, और ये छोटू तो इंसान ही नहीं है। इस तरह तो तुम्हारी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। हे भगवान, किरण के अंदर गौरी है, मैंने देखा है। गौरी के बारे में बोल रही हो? वो तो कब की मर चुकी है, वो किरण कैसे हो सकती है? ए छोटू, आज जिंदगी में पहली बार तूने ढंग की बात की है। आप थोड़ा चुप रहेंगे क्या? भैया, आप मेरा विश्वास करो, अपनी मम्मी को गौरी ने ही मारा है, और वो गौरी अपनी किरण के शरीर में है, और ये मैंने अपनी खुली आँखों से देखा है। इतना ही नहीं, वो जो अंगूठी आपने बाहर फेंकी थी वो किरण के पैरों में है। हेलो, तुमने क्या 3D चश्मा लगा के देखा था? ठीक है, वो चश्मा लाओ, हमें भी दो। हम तीनों उसे देखेंगे, अगर वो हमें भी दिखी तो हम मान लेंगे। आप थोड़ा शांत रहेंगे क्या? सना, तुम जो बोल रही हो वो सब ठीक है, लेकिन गौरी मुझे क्यों नहीं दिख रही है? मैं भी तो इंसान हूँ। अरे लेकिन भैया, मुझे कोई भी नहीं समझ रहा है। एक दिन आपको यकीन हो जाएगा, जब हम में से किसी की मौत होगी ना, तब आपको पता चल जाएगा। जो मन में आए करो। सना, क्या हो गया? सना क्यों चिल्ला रही है? सना, सना क्या हुआ? ऐसे चिल्ला क्यों रही हो? अरे बोलो सना, क्या हुआ? रूम के अंदर किरण। किरण? हाँ, किरण को क्या हुआ? किरण, बोलो सना, बोलो सना। फैन से खुद को रस्सी से लटका लिया है। क्या बात कर रही हो तुम? चलो 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 चलो, देखते हैं। छोटू, यहाँ पे तो कोई नहीं है। हाँ ना, क्या हुआ? ये छोटू, कहीं तुम्हारी बहन ने फैन टूट जाने के डर से उसने बॉडी को बेड पे रख के कहीं उसने हमें डराने की कोशिश तो नहीं की है? सॉरी भाई, सॉरी, गलती से बोल दिया। प्रशांत, क्या हुआ? हम जो पूछने वाले थे वो तो तुमने ही पूछ लिया। नहीं, मुझे थोड़ा फीवर जैसा लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ सो गई थी। क्यों, ऐसा क्यों पूछ रहे हो? अरे कुछ नहीं, तुम्हारी तबीयत ठीक है या नहीं यही देखने आए थे। तुम ठीक तो हो ना? तुम अभी आराम करो, सो जाओ। ठीक है,
तुम आराम करो, बाय बाय, सो जाओ सो जाओ। चलो देखा ना, पंखे से लटक रही है ना, जाके देख लो। बड़े आराम से खर्राटे लेते हुए गहरी नींद में सो रही है, समझ में आया? जाके देख लो, जाओ। अरे जाओ, सुनो ये पागल हो गई है। बोल रही थी कि हाँ, तुम क्या बोल रही थी? यही बोल रही थी ना कि किरण फैन से लटक रही है, यही ना? तुम खुद सबसे पहले जाकर साइकेस्टिक को दिखाओ, ठीक है? हाँ चलो चलो यार। हाँ। अलार्म कैसे बजा? मैंने तो नहीं लगाया था। सुनिए ना, देखिए ना, देखो रस्सी दिख रही है, पंखे से रस्सी लटक रही है। हे भगवान, देखिए ना, देखो यहाँ कहाँ रस्सी लटक रही है, पंखा ही तो है। अरे मेरी माँ, क्यों मेरी नींद खराब कर रही हो? मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। भूत है ना, सिर्फ इंसानों को डराता है, तुम जैसी भूतनियों को नहीं। चलो सो जाओ। क्या हुआ? कोई मुझे ऊपर नीचे उठा के फेंक रहा है, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्यों क्यों मेरी नींद खराब करने पे तुली हो तुम? भूत है ना, सिर्फ इंसानों को डराते हैं, तुम जैसी भूतनियों को नहीं। तुमसे शादी करने से अच्छा तो मैं किसी भूत से ही शादी कर लेता। तुमसे शादी करके मेरी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती हो गई है मुझसे। सो जा तुम। सुनिए ना, पहले तो तुम्हारी माँ छोड़ के चली गई, अब तुम भी मुझे छोड़ के चली गई।
अब मेरा ध्यान कौन रखेगा? तुम भी अपनी माँ के पास ऊपर चली गई। प्रशांत ये क्या हो गया? प्रशांत चलो बैठते। प्रशांत यहाँ बैठ जाइए। सना सना ये क्या हो गया? सना सना ये क्या हो गया? प्लीज आप रोइए मत। कैसे ना रोऊं प्रशांत, मेरी पूरी जिंदगी उसके साथ कैसी भी रही हो, वो थी तो मेरी बीवी, वो मेरी सना थी प्रशांत। सना हमारी छोटी बहन थी, कहीं आपने तो उसके साथ? नहीं नहीं नहीं, अरे भगवान कसम, मैंने सना को नहीं मारा है, मैंने नहीं मारा, मेरा विश्वास करो। आपको क्या हो गया है? आप ये उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? आप ना पहले रोना बंद करो। प्रशांत, छोटू, सना हमें बार बार बोलती थी लेकिन हमने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। अब तो सना मर गई है। लेकिन उसने जो बात बोली थी वो एकदम सच थी। इस घर में कुछ ना कुछ जरूर है। इस घर में नहीं रहना प्रशांत, हम लोग निकल जाते हैं। हम इस घर में नहीं रहेंगे, कहीं और चलते हैं। प्रशांत चलो। देखो हम इस घर में बचपन से बड़े हुए हैं, हम यहाँ से कैसे जा सकते हैं? आप अभी सदमे में हो, 2-3 दिन बाद सब ठीक हो जाएगा। मैं जहाँ पैदा हुआ वहाँ मुझे नहीं मरना, तुम्हें मरना है तो तुम यहीं रुको। मैं तो जा रहा हूँ यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। हाँ सुनिए जीजा जी, अगर आप यहाँ रहोगे तो हम बड़ी आसानी से गौरी की संपत्ति हासिल कर सकते हैं। सना भी पार्टनर रहेगी, ठीक है ना? अगर आप यहाँ से चले गए तो आपको यहाँ कुछ नहीं मिलेगा और आपकी वजह से हमको भी कुछ नहीं मिलेगा। इतने दिनों से हम साथ में रह रहे हैं, आज परेशानी आई तो तुम हमें छोड़कर जा रहे हो, ये गलत है। अब आपके बिना हमारा यहाँ पर है ही कौन? अब इस घर में सबसे बड़े आप ही हो, आप हमारे जीजाजी हैं और मैं आपका दामाद हूँ। अब जो भी परेशानी आएगी उसका सामना हम दोनों को मिलकर करना है, ऐसे भागना नहीं है। भैया वो अंगूठी के आने के बाद ही इतनी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ तुम ठीक कह रहे हो विजी। हाँ वो अंगूठी कहाँ फेंकी? कचरे में फेंक दिया मैंने। ठीक से याद करके बताओ, कचरे में फेंका है या फिर घुमा फिरा के अपने ही घर में वापस ला के रख दिया? मैं भला ऐसा क्यों करूंगी, मैंने कचरे में ही डाला था, वही डाला है मैंने। मैं बेटी की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने वही फेंक दिया था। ठीक है मैं समझ गया, अभी एक काम करो, किरण के कमरे में चुपचाप जाकर कुछ काम से जाना। सना जैसे बता रही थी, किरण के हाथ में गौरी की अंगूठी है कि नहीं ये देख के बताओ मुझे। ठीक है भैया। दीदी क्या है? खाना खा लीजिए। मुझे नहीं खाना, सब लोग खा रहे हैं, अगर आप भी आ जाओगे तो। आ रही हूँ। तुम्हें क्या हुआ? अरे क्या देखा तुमने? क्या तुमने अंगूठी देखी? गौरी या किरण? ऊपर कौन था? दोनों साथ में थी। किरण के रूम में दो लोग? कैसे? आप क्या बोल रहे हो? जब एक शरीर में दो इंसान रह सकते हैं तो एक कमरे में क्यों नहीं रह सकते? कैसी बात कर रहे हो आप? आप दोनों कुछ देर के लिए चुप रहोगे क्या? यहाँ देखो, तुम अब डरो मत, जो भी तुमने अंदर देखा है वो सब ठीक से बताओ, ठीक है? तुम किरण के रूम में गई थी? किरण रूम में थी? तुमने उसका हाथ देखा? हाँ भैया मैंने उसका हाथ देखा, उसने अंगूठी पहन रखी थी। वो गौरी की अंगूठी थी ना? मैंने जो कचरे में फेंका था वही अंगूठी थी वो। और वहाँ वो किरण अपने बालों को बना रही थी और कांच में मुझे गौरी नजर आ रही थी। सना यही बोल रही थी,
सना का यूज किया हुआ चश्मा तुमने भी यूज किया होगा। बोलो वो 3D चश्मा तुम्हें कहाँ से मिला? जीजा जी आप जो बोल रहे हो वो पहनने वाला चश्मा है, अब वो आईने की बात कर रही है। हाँ भैया, भूत कांच में नजर नहीं आता है, वो सामने से ही नजर आता है, आज वो भी मैंने देख लिया अभी। पहले तो तुमने कहा भूत सामने नहीं दिखता। हे भगवान, पागल कर दोगी तुम हमें। आपसे बात करने का कोई मतलब नहीं है, मैं इस घर में अब बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। रुको, ऐसे तुम जाओगी तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी सैलरी आप ही रख लो। मुझे नहीं चाहिए आपकी सैलरी, मुझे जिंदा रहना है, मुझे नहीं रहना है इस घर में, मैं यहाँ से जा रही हूँ। छोटू, प्रशांत, तुम लोग प्लीज मेरी बात मानो, मैं जो बोल रहा था वही ये काम वाली भी बोल के गई है, ये तो सच है, इस घर के अंदर कोई ना कोई भूत तो जरूर है, अब वो हम लोग को जरूर मार देगी। सुनो, हम सब यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ से जाने से ठीक होगा क्या? तुम्हारी सिस्टर किरण के बारे में सोचा है तुमने? उसकी लाइफ का क्या होगा, आखिर उसके ही शरीर में आत्मा है ना। ठीक है प्रशांत, तुम जो बोल रहे हो वो मैं मानता हूँ, लेकिन ये भूत तो हमारी जान के पीछे ही पड़ गया है, अब तुम बताओ इसका सोल्यूशन क्या है, तुम ही बताओ। मेरा एक दोस्त ना तांत्रिक को जानता है, वो ना भूत पिशाच आत्माएं सबको हमेशा के लिए भगा देगा, वही कुछ कर सकता है। वो बोल रहा था कि वो बहुत ताकतवर है, उससे मिलकर हमारी परेशानियों के बारे में हम सब कुछ बता देंगे, तो चले। इतना सोच क्यों रहे हो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, जल्दी जाओ। जाओ प्रशांत, जल्दी जाओ, एक एक मिनट हमारे लिए कीमती है। ठीक है, मैं जाता हूँ। जीजा जी, ये लीजिए। ए, तुझे पता है ना मैं नहीं पीता हूँ। अगर डर भगाना है ना तो इसे पीना पड़ेगा, बाद में मुझे मत बोलिएगा। एक तो यहाँ से हवा आ रही है तो और भी ज्यादा डर लग रहा है। छोटू, प्रशांत अब तक आया नहीं, मुझे टेंशन हो रही है। और तू यहाँ आराम से दारू पी रहा है? एंजॉय करने के लिए तो दारू पी रहा हूँ, आप नहीं पी रहे हो इसीलिए डर लग रहा है। अगर आप थोड़ा सा पियोगे ना बहुत स्ट्रांग हो जाओगे आप। ए, मैंने अभी खुद बंद किया, ये फिर से कैसे खुल गया? आपने ठीक से बंद नहीं अरे, किया, मैंने किया था। जीजा जी, जीजा जी, क्या हुआ? अरे अरे जीजा जी, हटो हटो यहाँ से, ये सिर्फ पर्दा है, इससे क्या डर रहे हो, आओ। वो पर्दा था, मुझे तो कुछ और ही लगा, मेरे लिए भी एक पैक बना। अभी तो मना किया था आपने। अरे मैंने दारू नहीं पिया तो मैं ऐसे ही मर जाऊंगा। इससे अच्छा तो ये कि मैं दारू पी के ही मर जाऊं, दे मेरे को। अच्छा होगा, देख लेंगे। ओके ओके। Ah!
और दे, और दे। ए छोटू, ए ये किधर है, किधर है भूत, किधर है भूत? ये क्या है? पानी खत्म हो गया। ए विजी, किधर हो तुम? विजी पानी लेकर आओ जल्दी, वरना तुम्हारी खैर नहीं। लेकर आओ जल्दी। तुम ये काम क्यों कर रही हो? हाँ कोई बात नहीं, विधि चली गई है ना, इसलिए देती हूँ। कितना चाहिए बताना। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ए पूरा भार गिर रहा है। मैं ही तुम्हारे लिए दूध लेकर आई थी। ये मैं यहीं पर रखकर जा रही हूँ, तुम्हें जितना चाहिए होगा ले लेना, ठीक है? मैं जाती हूँ। तेरी मौत का समय रात के 12 बजे, बच सकता है तो बच ले। जीजा जी उठिए, जीजा जी उठिए, गौरी आ गई। उठिए ना, मैं ना बहुत बिजी हूँ, उसको बोलना बाद में देख लूंगा उसको। शिट, इस इंसान को दारू पिला के गलती कर दिया, अब तो मैं अकेला हो गया हूँ, ये तो मार ही देगी मुझे। मुझे इस घर से निकलना ही होगा। मुझे माफ कर दो प्लीज। बहन, इसका मतलब पता है तुझे? पता है मुझे, पता है। बहन का मतलब वो मेरा ही खून है, जो मेरी अपनी है वो मुझे नहीं मारेगी। मैंने जो भी गलती की है वो मुझे मेरी बहन माफ कर देगी। मुझे माफ कर दो बहन। तेरी बहन तुझे छोड़ देगी? माफ कर दो। वो तुझ पे दया दिखाएगी? बोल। नहीं नहीं, बोल नहीं, ना? नहीं, अपनी नहीं, बहन का हाथ पकड़ेगा तू? नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैं अभी दुनिया में नहीं हूँ और तुम्हें भी यहाँ से जाना होगा, और मैं तुम्हें भेज के रहूंगी। मैं जब से आई तब से तुम्हारे घर का कितना ख्याल रखा, और इसके बदले में मुझे क्या मिला? मेरे पिताजी ने कितने प्यार से विदा किया था मुझे, मैंने तुम्हें अपना भाई समझा था, और तुमने क्या किया?
मेरी जिंदगी कोई छीन लिया मुझसे। मुझे माफ कर दो। अब तुम यहाँ रहकर क्या करोगे? नहीं, मैंने अगर तुम्हें माफ कर दिया तो भगवान भी मुझे माफ नहीं करेगा। इसलिए अब कोई रास्ता नहीं है तेरे बचने का। ये तांत्रिक कहीं मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहा? कहीं वो डरकर भाग तो नहीं गया है? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये जीजा जी भी ना कहां जाते हैं कुछ पता नहीं चलता। हाँ, क्या हुआ? क्या सोच रहे हो आप? कौन कौन? ये कैसी आवाज है? मैं ही बोल रही हूँ। मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ। जैसे भी हो, लेकिन तुम मेरे पति हो। मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैं बस ये पूछने आई हूँ। मैंने कुछ नहीं किया। ये क्या बोल रही हो? तुम्हारी माँ, तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, सबने मिलकर मेरे साथ क्या किया तुम्हें पता भी है? उन लोगों ने जो कुछ किया बिल्कुल अच्छा नहीं किया। और उस दिन मैंने तुम्हारे लिए दुर्गा देवी के दिन करवा चौथ का व्रत रखा था। मैं कितनी खुश थी उस दिन, तुम्हें पता है? लेकिन तुमने मेरे साथ धोखा किया। क्यों किया तुमने ऐसा? लोग अपनी बीवी के लिए अपनी जान तक दे देते हैं, और तुमने क्या किया? तुमने उन लोगों का साथ दिया। कैसे पति हो तुम? तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं। गौरी, मुझे माफ कर दो। मैं मानता हूँ सारी मेरी गलती। गौरी, मैं कबूल करता हूँ। यही मैं पूछ रही हूँ। क्या मैं अच्छी नहीं थी? क्या मैं पागल थी? तुमने जो बोला मैंने नहीं किया? क्या मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी? मैं सच्चे दिल से तुम्हारे साथ थी। गौरी, बस करो। मैं मानता हूँ सारी की सारी मेरी गलती थी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। मैं उन लोगों की भावनाओं में बह गया था। मैं पूरी तरह से स्वार्थी बन गया था। अभी इतना अफसोस हो रहा है तो पहले ऐसा क्यों किया? इन लोगों ने मुझे बड़ा चढ़ाकर मुझे लालच दी और मैं इनकी भावनाओं में बह गया। मैंने सोचा था मैं तुम्हें नहीं मारूंगी, लेकिन अब मैंने फैसला बदल दिया है। गौरी, मुझे माफ कर दो। गौरी, माफ कर दो। इंसानों से गलती होती है। मैं कुछ भी नहीं भूली हूँ। अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करेगा, जैसे मेरी की है। क्या हुआ प्रशांत? फिर से वो गोरी आ गई है। कोई बात नहीं, तुम यहीं पर छुप जाओ। लेकिन जो गौरी वहां आई थी वो यहाँ भी आ सकती है। अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। चलो यहाँ से बाहर चलते हैं। ठीक बोला तुमने। चलो। ऐसे चुप रहने का क्या मतलब है प्रशांत? इससे अच्छा तो हम घर पे ही रह लेते। नहीं किरण, मैं आज थोड़ा कंफ्यूज हूँ। अच्छा ठीक है, कम से कम कोई गाना तो चला ही सकते हो ना?
अरे ये सॉन्ग क्यों बंद कर दिया? पता है ये मेरा फेवरेट सॉन्ग था। किरण मेरा मूड खराब है। मेरी जिंदगी बर्बाद करके खुद के मूड की परवाह है? अभी देख तू। ये क्या हो रहा? अरे क्या हुआ आपको? ऐसे क्यों घबरा रहे हैं आप? मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, ये गाड़ी ऑटोमेटिक भाग रही है। ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हे भगवान, अब क्या करूँ? प्रशांत क्या हो गया है? इतने स्पीड में क्यों चला रहे हो? कौन चलाता है ऐसे? ऐसे अचानक से ब्रेक कौन लगाता है? ट्रैफिक भी नहीं है। ये क्या हो रहा है? हम हमारे घर कैसे वापस आ गए? ये अंगूठी गौरी की है ना? हाँ। तो तुम्हारे पास कैसे? मेरी अंगूठी मेरे हाथ में ही रहेगी ना। ये तुम क्या बोल रही हो किरण? मैं किरण नहीं हूँ, मैं गौरी। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। भाग, कितना भाग सकता है भाग? आज तू बचेगा नहीं। अगर इतना ही अच्छा है तो तू एक और जिंदगी बचा नहीं सकता था? किरण की भी जिंदगी बर्बाद करने वाला था। मुझे माफ कर दो। मार दूंगी तुझे। मुझे माफ कर दो। मेरी कोई गलती नहीं है किरण। मैं आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। Mm-hmm.